हेलो बच्चों, सो एग्जाम्स आर नाउ ओवर ऑफिशियली। ऑगस्ट 21 एग्जाम इज ओवर। दोनों मॉडल के एग्जाम खत्म हो गई है। नाउ दैट द काउंटडाउन विल बी व्हेन द रिजल्ट्स विल बी। तो बातों को मैं क्लियर कर दूं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक, अक्टूबर के 10 तारीख तक आपके रिजल्ट्स फॉर श्योर आ जाने हैं। इसके पीछे ये भी लॉजिक है कि आपके एग्जाम फॉर्म के डेट्स भी आ चुके हैं, राइट, जो कि 25 अक्टूबर तक भरा जाएगा। तो आप टेक्निकली समझ सकते हो, उसको बैलेंस करने के लिए इंस्टीट्यूट थोड़ा टाइम तो देगा। ये सारी बात तो आपको आने वाले समय के लिए मैंने करी। बात ये है असल में कि अब एग्जाम आपकी खत्म हो गई है। नाउ दैट द एग्जाम्स आर ओवर, तो हमें क्या करना चाहिए? अब हम वेट करना चाहिए? जिन बच्चों ने दोनों मॉडल के एग्जाम दिया था और उन्हें लगता है कि उनका एग्जाम अच्छे से गया है, तो फाइन, दैट इज ओके विद देम। वो अपने फाइनल के बारे में कॉल ले सकते हैं, वो सेकेंडरी बात हो गई। बट मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जिन बच्चों ने एक ही मॉडल की एग्जाम दी थी, आपका एग्जाम या तो अच्छा गया होगा या तो सही नहीं गया होगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया भैया, तो डोंट वेट फॉर इट, सेकेंड मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर मॉड्यूल वन दिया था तो सेकेंड की शुरू कर दीजिए, सेकेंड दिया था तो फर्स्ट का शुरू कर दीजिए। अब एक और कैटेगरी जो है, वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम के बीच में ऑप्ट आउट कर लिया, ये एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम दे नहीं पाए एक्स वाई जेड रीजन, वो सब उस कैटेगरी में आते हैं। तो भैया, आपके लिए तो वेट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एकदम अपने बेल्ट को टाइट कर लो और आ जाओ पढ़ने शुरू कर दो। पता ही नहीं चलेगा, इट्स ऑलरेडी अगस्त का मिड, ऑलरेडी अगस्त का मिड है, आपके 10 दिन हार्डली इसमें, और आपके सितंबर अक्टूबर नवंबर है, तो बहुत कम समय है। हार्डली कट टू कट करके 100 डेज आपके पास है, अच्छे से तैयारी करना है, वरना फिर वही होगा जिस कारण से आपने ऑप्ट आउट के बारे में सोचा, एग्जाम नहीं दिया, वही चीज वापस रिपीट होती रहेगी। तो ऐसा नहीं करना है, गलतियों से सीखना चाहिए, उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है। अब जहां तक हमारी बात है, मेरे बच्चों जो हमारे डीडीएंस है या जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, उन बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, हमारी मॉड्यूल वन की क्लास सुबह चलती है, जो अभी हमने स्टार्ट किया है, जुलाई के मिड में हमने क्लास स्टार्ट करी है, तो वहां पे जस्ट बैचेस स्टार्ट हुई हैं, वो दिसंबर के लिए है मॉड्यूल वन, और वही बैच मॉड्यूल टू के लिए कंटिन्यू हो जाएगा जून में, जनवरी के बाद। तो वहां पे आप मॉड्यूल वन का कोचिंग कर सकते हो। सुबह 8 बजे से बैच होती है, एवरी डे मॉर्निंग 8 to 12, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद बच्चों, जो नेक्स्ट है हमारा, इवनिंग में बैच चलता है 3 बजे, एंड दिस इज गाइज लाइव बैच। अपने घर से आप अटेंड करो या डीडी इंस्टीट्यूट के कैंपस पे आकर अटेंड करो, दोनों सेम चीजें हैं बच्चों। शाम हमारे 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक डेली क्लास चलती है, दैट इज फॉर मॉड्यूल नंबर 2। तो अब अकॉर्डिंगली आप लोग डिसीजन ले लीजिए, आप लोग कौन सा अटेंड करना है, दोनों अटेंड करना है, पहला अटेंड करना है, दूसरा अटेंड करना है, बट आ जाइए आप लोग। 24th से हम लोग मॉड्यूल 2 वाली बैच रेज्यूम कर देंगे, 3 बजे वाली, जो ऑलरेडी हमने पॉज किया था केवल ऑगस्ट के एग्जाम के लिए, और ऑलरेडी मॉर्निंग वाली बैच जो है वो सुबह मॉड्यूल 1 के लिए दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो आ जाओ बच्चों, लेट्स अगेन रीयूनाइट आवरसेल्फ फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन ओनली की फॉर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट एंड कंसर्न हो, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, एंड लेट्स वंस अगेन स्टार्ट द जर्नी। मिलते हैं दोस्तों आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है कौन बनेगा सीएस। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर एंड टेक केयर।